बीइंग ए क्रिकेट फैन मेरा एक सवाल है बीसीसीआई से और इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी से और हिंदुस्तान का जितने सारे क्रिकेट प्रेमियों है सबसे मेरा एक सवाल है, क्या क्रिकेटर सुरेश रैना का रिटायरमेंट लेने का वक्त हो गया था? क्या 33 इयर्स ओल्ड में क्रिकेटर सुरेश रैना को रिटायरमेंट लेना चाहिए था या फिर क्रिकेटर सुरेश रैना मौके का इंतजार करते करते और भविष्य में मौका नहीं मिलेगा यही सोचकर क्रिकेटर सुरेश रैना रिटायरमेंट लेने में मजबूर हुए? यही है सवाल। ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आपका भाई मोहम्मद अनवर सानी आपका स्वागत करता है द बॉयज ऑफ ऑडियंस यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है आपका। आज हम बात करते हैं क्रिकेटर सुरेश रैना के बारे में। वी क्रिकेट ऑडियंस विटनेस दैट सुरेश रैना वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्रेसिव एनर्जेटिक फील्डर्स इन द वर्ल्ड। सुरेश रैना वाज वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड एंड वर्ल्ड क्रिकेट ऑडियंस हैज एवर सीन सुरेश रैना वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर। Suresh Raina was one of the finest cricketers in the world in international cricket. He was also a good off-spinner in international cricket and Suresh Raina was a full package of cricket. Suresh Raina was the first Indian batsman to score 3 centuries in 3 formats of cricket. Suresh Raina was the first Indian batsman to score 5000 runs in Indian Premier League IPL. एंड ऑल्सो सुरेश रैना एक ऐसा खिलाड़ी थे द मोस्ट सेल्फलेस क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आई हैव एवर सीन। सुरेश रैना एक ऐसा बंदा है जो दूसरे का जब सेंचुरी लगता था तो उस वक्त ऐसा लगता था कि सुरेश रैना ने खुद ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसा खुश हो जाते थे। द मोस्ट सेल्फलेस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड आई हैव एवर सीन एंड आई विटनेस दैट सुरेश रैना इज द मोस्ट सेल्फलेस क्रिकेटर। जी हम सबको पता है कि सुरेश रैना का 2011 वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, 2015 वर्ल्ड कप में भी सुरेश रैना का प्रदर्शन अच्छा था और 2017 जितने सारे ट्रॉफीज हुए हैं सब ट्रॉफीज में सुरेश रैना के कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे थे। और सुरेश रैना का T20 का जो स्ट्राइक रेट है, जो स्कोरबोर्ड है, जो स्टेट है T20 और ODI का बहुत अच्छे है। एक बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते थे सुरेश रैना। तो ऐसे बल्लेबाजी करते आ रहे थे 2007 से और 2006 में उनका डेब्यू हुआ, 2006 से खेल शुरू किया, 2007 में उनको मौका नहीं मिला 2007 वर्ल्ड कप में, वैसे आते आते 2011 में मौका जरूर मिला और वो अच्छे प्रदर्शन करते आ रहे थे। लेकिन 2018 में उनको मैच से ड्रॉप कर दिया गया। आपको शायद पता नहीं कि सुरेश रैना जब टीम से बाहर हुए उस वक्त सुरेश रैना का उम्र था सिर्फ और सिर्फ 31, यानी आज का विराट कोहली। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आज हम सबको पता है COVID-19 पेंडेमिक से पहले विराट कोहली का प्रदर्शन नीचे जा रहा था, इतना अच्छा नहीं था, हम सबको पता है। तो क्या आज विराट कोहली को भी टीम से बाहर करना चाहिए? जिंदगी में हर फील्ड में हर जगह में अप्स एंड डाउन्स रहता है, ऐसे सुरेश रैना का साथ हुआ। जैसे डाउन हुआ, ठीक है डाउन हुआ, माना सुरेश रैना का इंजुरी था, शायद कुछ था, टीम से बाहर हुए सुरेश रैना, या फिर यो-यो टेस्ट में फेल हुए, फिर तो सुरेश रैना फिट हो गए थे। अब वो कह रहे थे कि मैं फिट हूँ, वो अपना वीडियो शेयर कर रहे थे फिट, तो क्या फिर सुरेश रैना को मौका देना नहीं चाहिए था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक क्रिकेटर 40 इयर्स तक क्रिकेट खेल सकता है और 30 जब उनका उम्र 31 था उस वक्त वो टीम से बाहर हुए और फिर वो टीम में जगह नहीं पाए, क्यों? सवाल ये है क्यों? क्या वो 33 इयर्स में फिर सुरेश रैना को टीम में नहीं लिया जा सकता था क्या? अप्स एंड डाउन्स तो होता रहता है, उनका डाउन हुआ था तो वो फिर मेहनत किया उन्होंने तो उनको तो फिर टीम में बुलाया जा सकता था, वो तो अभी भी 7 साल खेल सकते हैं टीम के लिए, उनका उम्र सिर्फ 33 हुए है अभी तक। और वो 33 इयर्स में वो सुरेश रैना रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि टीम में मौका नहीं मिल रहा था। और सच बात तो ये, सुरेश कुमार रैना का लास्ट 10 मैच में सुरेश कुमार रैना का टोटल रन्स 296 था विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 145। एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 145 क्या इतना अच्छा नहीं है? सुरेश कुमार रैना का एवरेज था 30, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का एवरेज 30, क्या बुरा है?
ठीक है, जो होना था वो हो गया। हम क्रिकेट ऑडियंस उम्मीद करते हैं वो दोबारा और किसी को साथ ना हो। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ वी क्रिकेट ऑडियंस, वी सुरेश रैना ए ग्रेट लाइफ अहेड, मोर सक्सेस टू कम एंड देयर रैना, यू आर द प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस, बीइंग ए क्रिकेट फैन तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हम सबको इंस्पायर और एंटरटेन करने के लिए, एंड यू आर द जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट।